सो चलिए गाइस, हमारा टॉपिक है, हमें टॉलेंस टेस्ट देखना है। सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। सबसे पहली चीज क्या है, लिखिए टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड्स, ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड्स। पहली चीज तो ये, ठीक है। इट इज नॉट गिवन बाय एंड नॉट गिवन बाय कीटोन्स, बिकॉज लिखिएगा इसको ध्यान से, बिकॉज इट इज अ माइल्ड, ठीक है, इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये आसानी से, तो वाइग्रस कंडीशन तो पैदा होंगी नहीं इसके अंदर, तो ये आसानी से सिर्फ और सिर्फ CHO को कन्वर्ट कर सकता है COOH के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, ये कभी भी कीटोन को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ये याद रखिएगा। इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल कीटोन का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ही कर पाएगा, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट में जो टॉलेंस रिएजेंट इस्तेमाल होता है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड का मतलब नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट सबने लिख लिया। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अब ये टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, देखिए टॉलेंस टेस्ट में हम लोग टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वी नीड टॉलेंस रिएजेंट। अब सवाल ये है कि टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, उसको देख ले। दैट इज अमोनिएटेड, देखिए उसका ध्यान से, दैट इज अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट को लिखने के दो तरीके, यहां पर सिर्फ AgNO3 नहीं बल्कि उसके साथ साथ क्या होता है, NH4। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट का मतलब है AgNO3 एंड NH4OH, इन दोनों का मिक्सचर होता है और एक्चुअल में कंबाइन होके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ध्यान से इसको चेक करेगा, अमोनिया है कितने यहां पर, दो, जो कि सिल्वर के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर, ये ध्यान से इसको चेक कर लेगा, दैट इज 2। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर होता है। सो फाइनली यहां पर दो अमोनिया जुड़े हुए हैं और क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इस पे आ रहा है प्लस का साइन, ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और ये क्योंकि अमोनिया क्या होता है, जरा चेक करिए, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है जिसपे अगर हम लोग देखें ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो होता है, तो जो प्लस आ रहा है वो किसकी वजह से, सिल्वर की वजह से। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और एक्चुअल में यही है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लो, ठीक है, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ध्यान से इसको चेक कर लीजिएगा, पहली चीज तो टॉलेंस रिएजेंट, बेसिकली टॉलेंस टेस्ट कौन आसानी से देता है, एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देते, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइड को तो कन्वर्ट कर सकता है लेकिन वाइग्रस कंडीशन पैदा नहीं कर सकता, तो ये कीटोन को कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्लियर हो गया, माइल्ड का मतलब देखिए जाके, नॉट सो स्ट्रॉन्ग, इट इज वीक। और फिर हमने दूसरी चीज क्या देखी, अब टॉलेंस टेस्ट में टॉलेंस रिएजेंट इस्तेमाल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, दैट इज अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं। एक्चुअली इसमें सिल्वर नाइट्रेट और यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स होके कंबाइन होके सॉल्यूशन के तौर पे इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, एक्चुअल में यही टॉलेंस रिएजेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है मीडियम यहां पर कौन सा है, गौर करो, यहां पर मीडियम है बेसिक, मैं ये भी लिख देता हूं इसमें, ठीक है, मीडियम इस्तेमाल किया जाता है बेसिक, ये भी आप ध्यान रखना, वैसे दिख ही रहा है पर मीडियम यहां पर बेसिक होता है इस केमिकल रिएक्शन में। ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेमिंग केमिकल रिएक्शंस हैं वो बेसिक मीडियम में होती हैं ज्यादातर, बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी किसमें हो रही है, बेसिक में। क्लियर होता है। अब मैं आपको केमिकल रिएक्शन दिखाता हूं कैसे होता है, जरा सोचिए
कि यहां पर ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का यहां पर CWH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो पक्का किसी ना किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, और रिडक्शन यहां पर किसका दिख रहा है, देखिए Ag यहां पर जो सिल्वर है वो प्लस पर है, प्लस 1 पर, जो सिल्वर में कन्वर्ट हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको चेक करेगा। इसी की वजह से, जो केमिकल रिएक्शन उसकी वजह से, मैं आपको टोलेंस टेस्ट का एक और नाम बताने जाऊंगा, बहुत ध्यान से उसको चेक करेगा। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये देखिए, यहां पर केमिकल रिएक्शन के तौर पे आप यहां पर सपोज कीजिए कि कोई एल्डिहाइड आपने लिया, RCHO, उसकी रिएक्शन आपने अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट से करवाई, तो जिसके अंदर हमारे पास जो टोलेंस रिएजेंट है वो यहां पर प्रोड्यूस होगा। आप इसको फ्रेशली प्रोड्यूस करते हो, ये भी बात ध्यान रखना, सीधे आपको ये सोल्यूशन नहीं मिलने वाला लैब में, आपको इस सोल्यूशन को फ्रेशली प्रोड्यूस करना पड़ता है, ये ध्यान रखना, फ्रेशली प्रोड्यूस करना पड़ता है, और प्रोड्यूस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। देखिए यहां पर क्या होगा, क्लियर होता है सब लोगों को? तो देखिए, ये है हमारे पास, ये है एल्डिहाइड, मैं यहां लिख देता हूं, ये है हमारे पास टोलेंस रिएजेंट, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा, और एक्चुअल में उसके बाद क्या होगा जरा चेक करिएगा। ये मीडियम है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसके अंदर, RCOO- हो गया ना ऑक्सीडेशन, RCWH, अभी सॉल्यूशन में तो RCOO- लिख सकते हो इसको। So finally aldehyde is converted into carboxylate ion, isn't it? उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और इसमें से इसका रिडक्शन होगा, तो ये सिल्वर जो Ag प्लस पर है, अभी देखिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस 1, क्योंकि इसका तो जीरो है, तो यहां पर इसका है प्लस 1, जो एक खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag यानी कि सिल्वर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर यहां पर रिड्यूस हो जाएगी, और फाइनली एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, और उसके साथ साथ आपको अमोनिया मिलेगा प्लस पानी मिलेगा। आप इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस इज नॉट एट ऑल अ हार्ड डील, बट द थिंग इज आपको मालूम होना चाहिए यहां पर हो क्या रहा है। क्लियर हो गया? तो यहां पर एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू, एल्डिहाइड का हो गया ऑक्सीडेशन, चेक करिएगा, एल्डिहाइड का हो गया है ऑक्सीडेशन, क्लियर हो गया? अब अगर साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन होगा तो साइमल्टेनियस रिडक्शन भी होना चाहिए, तो सिल्वर का हो गया है जी रिडक्शन। इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है? अभी रिडक्शन कैसे हो गया, क्योंकि यहां पर प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर था, प्लस 1 से 0 पे चला गया, सही है? प्लस 1 से अगर कोई 0 पे जा रहा है तो रिडक्शन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। अब मजे की बात पर आते हैं, ये केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, सबको मालूम पड़ रहा है। अब होता कुछ यूं है, जरा खुद से सोचो, जरा सिल्वर चमकता है, तो होगा कुछ यूं कि ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आप इसको करवा रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या किया, आपने यहां पर एल्डिहाइड भरा है, ठीक है, RCHO, और अचानक से आप उसके अंदर टोलेंस रिएजेंट डाल देते हैं, तो सिल्वर प्रेसिपिटेट होगा, जो कि इस, ये जो आपके पास बीकर है, कंटेनर है, उसकी वॉल्स पे सिल्वर इस तरह से चिपक जाएगा, दिखाई दे रहा है, सिल्वर का प्रेसिपिटेशन के बाद ये वॉल्स पे इस तरह से चिपक जाएगा, और एक्चुअल में सिल्वर की चमक होती है, क्लियर हो गया? तो आप जब झांकेंगे तो सिल्वर में आपको खुद की इमेज दिखेगी, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, दिखाई दे रहा है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यहां पर इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर, ये मिरर की तरह दिखने लगता है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। कोई पूछे कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, तो टोलेंस टेस्ट को ही हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है, लिख देता हूं ऊपर, ध्यान से इसको चेक कर लेगा, दिस इज सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हो। ये केमिकल रिएक्शन है जो कि मैंने आपके सामने लिख दी है, एल्डिहाइड इसको देते हैं लेकिन कीटोन्स टोलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते, टोलेंस टेस्ट नहीं देते कीटोन, इसको नोट डाउन कर लेना, इवन इन वाइग्रस कंडीशंस। क्यों? क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको फोकस कर लेना, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा इसीलिए होता है। क्लियर हो गया? केमिकल रिएक्शन सबको क्लियर है? अब मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूं इसके साथ, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोबारा बताऊं, आ गया समझ में? सब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सर आ गया सबको, बहुत बढ़िया बात है, प्रीमियर में भी लिख सकते हो, लिख दो आ गया है समझ में, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब मैं आपको छोटी सी चीज और बताता हूं, मैंने यहां पर क्या कहा कि सिर्फ एल्डिहाइड टोलेंस टेस्ट देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, बिल्कुल सही है, लेकिन एल्डिहाइड के अलावा भी कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि टोलेंस टेस्ट देते हैं। अब टोलेंस टेस्ट का मतलब क्या है कि यहां पर आपको
ये सिल्वर मिरर टेस्ट दिखाई देगा, वो अपने को चेक करना है। क्लियर होता है? सो उस पर भी कभी कभार सवाल आ जाते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि एलडीआईडी देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एलडीआईड, कीटोन नहीं देते ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एलडीआईड ही देते हैं। क्लियर हो गया? एलडीआईड के अलावा और कौन कौन से कंपाउंड हैं जो कि टोलेंस टेस्ट देते हैं, यानी सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, उसको भी एक दो मिनट में चेक कर लेते हैं। सबको समझ में आता है? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइज, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए,